आदर सम्मान अभिनंदन आभार नमस्कार देवी सज्जनों, मैं अभिषेक शर्मा स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल अभिवाणी में। और आज है 23 अगस्त 2023 दिन बुधवार और कौन बनेगा करोड़पति 2023 सीजन 15 का IDFC बैंक वाला क्विज खेलेंगे, जिसको कल आप 24 अगस्त 2023 दिन गुरुवार को दिन में 9:59 तक कभी भी खेल सकते हैं। और क्रोमा क्विक 5 क्विज आशा करता हूँ आपने खेल लिया होगा, यदि नहीं खेला है तो वीडियो चैनल पर है। और ये फैमिली वीक स्पेशल वाला कल वाला प्रश्न 22 तारीख का, जिसका आंसर जो है ऑप्शन सी है, स्ट्रेटोस्फीयर मीन्स समताप मंडल, तो वो आंसर है। तो यदि केवल आंसर चाहिए तो मैंने आपको बता दिया, वीडियो देखने की भी नीड नहीं है, हालांकि मैं इमेज भी कम्युनिटी में डाल देता हूँ। और वीडियो जो होता है वो डिटेल इन्फॉर्मेशन के साथ में होता है कि यदि आपका सिलेक्शन हो जाता है तो आपकी GK और अच्छी होनी चाहिए, जिससे वहाँ पर आप जाके अधिक से अधिक धनराशि जी सकें, साथ ही आपकी प्ले अलोंग में भी हेल्प हो। तो अब जो है IDFC फर्स्ट बैंक डेली क्विज आइकन पे क्लिक करते हैं और क्विज जो है स्टार्ट हो जाएगा। और इसमें ये पूछ रहे हैं कि बिश्केक किस मध्य एशियाई देश की राजधानी है, तो ऑप्शन बी वाला तो जो है कल आया था, ये किर्गिस्तान है, जिसको जो है किर्गिस गणराज्य के नाम से भी जाना जाता है, मीन्स किर्गिज रिपब्लिक। और ये जो है इसकी राजधानी तो है ही बिश्केक की, साथ ही सबसे बड़ा शहर भी है यहाँ का। और ये तियानशान और पामीर पर्वत श्रृंखलाओं से घिरा हुआ है, तियानशान और पामीर पर्वत श्रृंखलाएँ मीन्स माउंटेन रेंज जो होती है उससे। और इस वाले में ये पूछ रहे हैं कि जैक तोता जो है गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में कितनी बंद किए गए पेय पदार्थों के ड्रिंक्स को एक मिनट में खोलने के लिए जाना जाता है, तो ये काफ़ी पहले की बात है, अभी की नहीं है। और इनने जो है लगभग 35 केन खोले थे। ये मकाऊ है, बड़ा वाला तोता आपने देखा होगा ना सर्कस में, रंग बिरंगे होते हैं बड़े, उसको मकाऊ बोलते हैं, तो वो है जैक नाम का। और ये सेंट जोस जो कि कैलिफोर्निया में, यहाँ इन्हें खोले थे 12 जनवरी 2012 को, तो काफ़ी पहले की ये बात है। तीसरे प्रश्न में ये पूछ रहे हैं कि अर्जुन रेड्डी नामक तेलुगु फिल्म में मुख्य भूमिका किसने निभाई है, तो इसमें विजय देवरा कोंडा थे और इनके साथ जो लीड रोल में थी वो शालिनी पांडे थी। इसको संदीप रेड्डी वांगा ने निर्देशित किया था, तेलुगु भाषा की मूवी है, रोमांटिक ड्रामा, जो कि 2017 में आई थी। और ये IDFC फर्स्ट बैंक वाले ही ये क्विज करवाते हैं और इनका प्रश्न डेली एक अवश्य आता है। इसमें ये पूछ रहे हैं कि IDFC फर्स्ट बैंक बचत खाता निम्नलिखित में से किसके लिए 0% प्रदान करता है, तो IMPS चेकबुक, डेबिट कार्ड, इंश्योरेंस मीन्स डेबिट कार्ड आपको देना, और लोग जो है चार्ज देते हैं लेते हैं, ये फ्री करते हैं, इसलिए ऑप्शन डी होगा, सभी सारे विकल्प उपयुक्त सभी ऑल ऑफ द एबव करेक्ट आंसर है। आज के क्विज का पांचवा अंतिम प्रश्न आप सबकी स्क्रीन पर ये रहा। इसमें ये पूछ रहे हैं कि किस भारतीय अभिनेता ने हॉलीवुड में अपनी शुरुआत फिल्म द एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जर्नी ऑफ द फकीर से की, तो ये धनुष जी हैं और आई थिंक ये इसमें वो बने थे एक रोड साइड जादूगर जो होते हैं ना, सड़क पर जो जादू दिखाते हैं, अजा नाम के, अजात शत्रु लवाज पटेल इनका नाम था। और ये कई देशों में यात्रा करते हैं और फिर जो है ये पेरिस जाते हैं वहाँ पर। और ये एक नॉवल था उसके जो कि उपन्यास होता है, रोमेन प्योर्टोलस, जिसका नाम था द एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जर्नी ऑफ द फकीर हु गॉट ट्रैप्ड इन एन आइडिया वार्डरोब, ये उस पर आधारित है। तो ये भी आपको मालूम होना चाहिए, ये जो प्रश्न है ये तो नहीं आएगा KBC में, पर ये आ सकता है कि ये किस उपन्यास पर आधारित है। तो रोमेन प्योर्टोलस के उपन्यास पर आधारित है द एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जर्नी ऑफ द फकीर हु गॉट ट्रैप्ड इन एन आइडिया वार्डरोब, तो उस पर आधारित है। और ये जो है केन स्कॉट ने बनाई थी,
2018 की ये मूवी है, एडवेंचर मूवी है, जो ऐसी यात्रा वाली मूवी होती है ना वो एडवेंचर कहलाती है। जैसे कोई कहीं घूमने जाता है तो कहते हैं ना वो एडवेंचर करने गया है, मस्ती करने गया है, यात्रा वाली जो होती है, तो एडवेंचर कॉमेडी ये मूवी थी। और इसकी शूटिंग जो है भारत में भी हुई थी, और भारत, बेल्जियम, फ्रांस, इटली में वहाँ पर भी ये हुई थी। और ये पहला वाला प्रश्न है जिसके बारे में मैं आपको बता रहा था कि कल जो है तजाकिस्तान वाला प्रश्न आया था, जो पूछा था दुशानबे, तो उसका था दुशानबे और तजाकिस्तान। ये जो बी वाला ऑप्शन है ये प्रश्न कल आया था, और आज जो है बिश्केक और किर्गिस्तान का आ गया, तो ऑप्शन बी है। तो एज़ यूजुअल जिससे कल बताया था आपको कि इसका दुशानबे है, और तीसरा इसमें ऑप्शन है तुर्कमेनिस्तान, तो इसका होगा एशगाबेट, ASHGABAT, एशगाबेट या एशगाबाट, तुर्कमेनिस्तान का। और चौथा ऑप्शन है इसमें अफगानिस्तान का, तो काबुल। तो इस तरीके से हो गया बिश्केक किर्गिस्तान, तजाकिस्तान दुशानबे, तुर्कमेनिस्तान एशगाबेट या एशगाबाट, और अफगानिस्तान काबुल। तो इस तरीके से इसको आप याद कर लीजिए। तो ये थी बात आज 23 अगस्त 2023 दिन बुधवार के, कौन बनेगा करोड़पति और IDFC फर्स्ट बैंक डेली क्विज की। आशा करता हूँ आपको अच्छे से बता पाया होंगे, आपकी जीके और इम्प्रूव हुई होगी। साथ ही क्रोमा वाला क्विज आप खेल लीजिए, फैमिली वाला खेल लीजिए, और जीतने के चांसेस बढ़ाने के लिए मैंने उसमें आपको बताया ही है क्या करना है, कि यदि आप मुंबई में ग्राउंड ऑडिशन तक जा चुके हैं या वहाँ नहीं गए थे तो आपका घर पर ही ऑनलाइन ऑडिशन हुआ था, तो अगर आप उसी नंबर से खेल रहे हैं तो आप जो है एलिजिबल नहीं है कॉल आने के। तो नया नंबर लीजिए, उससे रजिस्ट्रेशन करिए, 2-3 फ़ोन 2-3 नए नंबर ले सकते हैं वो कर लीजिए, और इन्वेस्टमेंट जो है आप अपने ऊपर कर रहे हैं अपने चांसेस बढ़ाने के लिए, और जो है अपनी तैयारी करिए, जिनको ले आ रहे हैं उनकी तैयारी करवाइए, और अभी भी 3 दिन लगभग बचे हैं, और बाकी उससे प्ले अलॉन्ग करिए, जिससे 4 दिन आप खेलें तो जो है आपके पास जो है कॉलिंग आ जाए, और लगभग 2 महीने की, जिसको 8 वीक बोलेंगे, कॉलिंग हो चुकी है, और अगस्त के लास्ट तक 9वें वीक की कॉलिंग होने की भी संभावना है। और ये मैं इम्पॉर्टेंट बात इसलिए हर वीडियो में बता रहा हूँ, क्योंकि एक ही वीडियो को, हर वीडियो को हर कोई नहीं देखता, तो इन्फॉर्मेशन जो है कभी ना कभी आप तक पहुँच जाए इसलिए। और कॉलिंग हो गई है, और प्ले अलॉन्ग वाली जो कॉलिंग है फर्स्ट वीक की वो स्टार्ट हो गई है, उसके बाद जो है सेकेंड वीक की कॉलिंग स्टार्ट हो जाएगी, और लेडी जो है 2 मंथ के कंटेस्टेंट की कॉलिंग हो चुकी है, और लास्ट जो है वो नवंबर तक आएगी, 3 महीने लगभग बचे हैं, तो आ गई, वरना उसके बाद तो फिर चांसेस नहीं है। भले शो जो है दिसंबर तक चलेगा, लेकिन कॉलिंग केवल 30 नवंबर तक होगी, और यदि उससे पहले ही उनको अपने मन के कंटेस्टेंट मिल जाते हैं तो हो सकता है अक्टूबर लास्ट में या नवंबर स्टार्टिंग में भी बंद हो जाए। तो इसलिए जो आपको मैं अपने वीडियो में टिप्स ट्रिक्स आइडियाज़ बताता रहता हूँ, उस पर गौर करिए, उसको मानिए, और उसके हिसाब से करिए, तो आपके जो है चांसेस बढ़ जाएंगे। बाकी अपनी जहाँ से तैयारी कर रहे हैं करते रहिए, अपना अपनों का ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए, प्रसन्न रहिए, मोटिवेट रहिए, पॉजिटिव रहिए, अपने अपनों का ध्यान रखें, और तैयारी करते रहें बहुत अच्छे से, क्योंकि पढ़ने को बहुत कुछ है, समय बहुत कम बचा है, एक एक दिन कम होता जा रहा है। और शीघ्र मिलते हैं नए वीडियो में, आपका दिन और जीवन शुभ हो, ऑल द वेरी बेस्ट एंड बेस्ट ऑफ लक फ्रेंड, नमस्ते।